हरे कृष्णा बोलो श्री श्री राधा रानी की जय। तो दोस्तों अभी आरती होगी, तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अब महाराज जो है आरती करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी आरती हुई है, तो इसके बाद आप शंख भी बजाया कर जाएगा, तो आपके सामने है। देख सकते हैं आप, ये मंदिर है, ये मंदिर का गेट है। और सबको अभी महाराज जो है चंदन तिलक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चंदन तिलक सबको लगाया जाता है। ये सनातन धर्म मंदिर है, यानी कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पूछा है, काफ़ी चहल पहल लगी रहती है। गांव के जो लोग हैं वो बच्चे सभी यानी कि मंदिर में दिलचस्पी लेते हैं, काफ़ी लोग यानी कि आते रहते हैं। तो महाराज से कुछ बातें करते हैं। तो महाराज जी आप बताएं कि ये मंदिर कब और कैसे बना, कब से है ये यहाँ पे, और आप कब से इसमें यानी कि पूजा कर रहे हैं? हरे कृष्णा ओम अज्ञानतम अंधस्य ज्ञानंजन श्लाकया चक्षु अनुमीलयतम यया नतस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यहाँ तकरीबन उन्नीस सन बानवे से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ मंदिर नहीं था पहले, तो बहुत कोशिशों के बाद ये जगह जो है वो खरीदी गई। यहाँ वीरनगर के लोगों ने मदद की और बाहर के लोगों ने मदद की, रल मिल के हमने ये जगह खरीदी। यहाँ गरीब तबका लोग हैं और पहले यहाँ मंदिर नहीं था, तो अब भगवान की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ दो मंदिर हैं। एक मंदिर वैष्णवी मंदिर है जो ये आपके सामने मौजूद है, और दूसरा जो मंदिर है वो शिव जी का है। तो हमारे यहाँ दो मंदिर हैं। तो ये जगह यानी कि कितने खर्चे में खरीदी आप लोगों ने, कितना पैसा लगा? ये एक संत है, हमारे गुरु भाई हैं बलराम प्रभु, उनका दीक्षाई नाम है, और पहले का नाम जो है भगवान दास है जो अभी मारवाड़ में है। तो उनकी कृपा थी, उनकी भी सोच थी, उन्होंने जो है ये 4.5 लाख में हमें जगह दी। ठीक, 4.5 लाख में। कितने मरले जगह है ये? तकरीबा 4 मरले जगह। ठीक, यानी एक मरला
काफी उन्होंने लो रेट में दी आप लोगों को। हाँ, उन्होंने कम रेट में दिया। ठीक, मंदिर जो है वो डबल रेट था, लेकिन उन्होंने सिंगल रेट में दिया। ठीक हो गया। ठीक, तो आप यानी के किन के शिष्य हैं और आपके महाराज उनका कुछ बताएं। हम जो है महाराज मानस स्वामी के शिष्य हैं, महाराज मानस स्वामी स्वामी भक्तिपाद जी के शिष्य हैं, स्वामी भक्तिपाद जी जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य। ठीक, तो आप लोग अभी इधर यानी के कितने लोग जो पंडित हैं, यानी के आप तो पुजारी हैं पंडित हैं, और आपके लोग आपके साथ कौन कौन काम करता है? हमारे साथ यहाँ जो हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, हरी दास, हरी राम दास, नरसिंह भगत, और ये माता विशाखा माता, इनका दीक्षाई नाम है। तो ये हमारे श्रीनगर के भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ सेवा में मसरूफ हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो टाइम यानी के वो जो है यानी के प्रसाद होता है, सुबह और शाम आरती भी होती है, सब कुछ। हाँ, आरती भी होती है और प्रसाद भी होता है। और जैसा कि आज एकादशी, निर्जला एकादशी थी, तो काफ़ी लोगों ने रखी हुई थी, तो वो भी प्रसाद हम यहाँ तकसीम करते हैं, और दूसरे लोग भी यहाँ आते हैं प्रसाद खाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप लोग इस मंदिर में यानी कि जो लोग आते हैं वो अपनी दिलचस्पी से आते हैं या आप लोग उन्हें बुला कर आते हैं? या जज्बा और भगवान को मानने वाले हैं तो वो ज़्यादातर लोग खुद ब खुद आते हैं। ठीक, ठीक हो गया। महाराज जी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी चल रहा है या अभी पूरा हो गया? नहीं, अभी कुछ काम रह रहा है। धन्यवाद है लोगों की जो हमें दान दक्षिणा देते हैं, उनका भी धन्यवाद है, और जो देने वाले हैं भी उनका भी धन्यवाद हम करते हैं कि भगवान जिसको चुनता है तो वही दान देता है, जिसको भगवान की जिस पर कृपा होती है। तो अभी ये ऊपर गरम सब रहती है, ये आप देख सकते हैं, और ये अलमारियाँ वगैरह इसमें लगने वाली है, सीढ़ी के ऊपर वो स्टैंड लगने वाला है, तो ये बिजली हो रहा है, तो ये काम होने वाला है और राम मोहन भी होने वाला है। आप यानी कि आप सुबह किस टाइम में आती यहाँ पे होती है, यानी कि आप आते हैं यहाँ सुबह? हम 5 बजे आ जाते हैं, क्योंकि हमें 16 माला करनी पड़ती है, तो 16 माला हम करते हैं, तो माता विशाखा भी 16 माला करती है, और नरसिंह भगत भी 16 माला करते हैं। तो ये हमारे शिष्य नहीं है, बल्कि हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि जो भी है हम सब गुरु महाराज के को अर्पण हैं। तो आप इस मंदिर का नाम बताएं पूरा। इस मंदिर का नाम है भक्तिपाद गोड़िया मठ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर। जो अभी आपने इस इश्तहार पे भी देखा होगा, लिखा हुआ है, तो ये हमारे मंदिर का नाम है। ठीक, हरे कृष्ण महाराज जी। तो आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों का जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यानी कि लोग जो यहाँ के काफ़ी हेल्प करते हैं मंदिर, और भगवान में इंटरेस्टेड भी हैं, यानी कि वो दिलचस्पी से आते हैं, और आप भी यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके जो साथ हैं महाराज वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम आप लोगों को 206 दिखाते हैं, यानी कि इसका जो ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं रूप। तो अभी मैं आप लोग कुछ मंदिर कुछ यानी कि दिखा दूँ पूरा, तो ये देख सकते हैं, ये यानी कि पूरा मंदिर है, और ये यानी कि ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियां स्टेप्स, और ये है मेन गेट। और अब मैं आप लोगों को अंदर से कुछ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भगवान है, तो दोस्तों ये है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं भक्तिपाद जी, और साथ हैं महानंद स्वामी जो कि हमारे महाराज के गुरु हैं, और तो ये देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ और शिव जी, राधे कृष्णा कृष्णा, और ये
पूरा मंदिर। तो अब मैं आप लोगों को छत पे लेकर चलता हूँ और छत दिखाता हूँ। और ये देखो, तो यहाँ से दोस्तों आप नाम पढ़ सकते हैं, भक्तिपाद गौड़िया मठ, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर रही म्यारा। तो ये यहाँ का कैलेंडर है, इस मंदिर का कैलेंडर है। तो अब मैं आप लोगों को ऊपर ले चलता हूँ छत के ऊपर। तो ये है कुछ मंदिर, ऊपर से मंदिर की छत है, ऊपर से ये पर्दी भी लगाई गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ इस पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अक्सर आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, लाइक करने से वीडियो अनेक लोगों के पास जाएगी और इससे यानी कि लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर दीजिए।